वेलकम बैक टू लीव विद मंदिरा। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। सो आपको थंबनेल और टैग से तो पता चल ही गया होगा कि दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग माय इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉर 21 डेज एंड 21 डेज तक मैं ये फास्टिंग कंटिन्यू रखूंगी और आपके साथ डेली में शेयर करूंगी कि मैंने क्या खाया है ब्रेकफास्ट में, आज कौन सा फास्टिंग कर रही हूँ एंड व्हाट विल बी माय विंडो फास्टिंग। सो व्हाट विल बी माय इंटरमीडिएट फास्टिंग विंडोज। या सो या लेट्स स्टार्ट टुडे देन। टुडे इज द डे वन। सो आज के दिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रूट डे। ओनली फ्रूट डे फास्टिंग रहेगा। सुबह से मैं फ्रूट ही खाऊंगी। फ्रूट 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 आज मैं कुछ नहीं लेने वाली, ना चपाती ना रोटी ना सब्जी, नथिंग। नथिंग मीन्स नथिंग। होल डे आई विल बी टेकिंग ओनली फ्रूट्स। घर में सभी लोग डांटते हैं कि मैं फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, तो मैं थोड़ा फ्रूट खाने में पीछे रहती हूँ हमेशा हमेशा। सो व्हाट आई थॉट इज दैट लेट मी इंक्लूड दिस फ्रूट इन माय डाइट। इफ यू इंक्लूड फ्रूट इन योर डाइट इट हेल्प अस टू रिड्यूस द वेट बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ फाइबर विटामिन्स एंड मिनरल्स विच इज एसेंशियल फॉर योर बॉडी। सो दिस डाइट विल बी नॉट द सेम फॉर द रेस्ट ऑफ 21 डेज। ओके एक दिन मेरा फ्रूट डे रहेगा, एक दिन मेरा रहेगा नॉर्मल ईटिंग डे और एक दिन मैं रहूंगी वाटर फास्टिंग, पूरा वाटर फास्टिंग पे रहूंगी। और सम अदर डे विल बी ओनली वन मील डे ऐसे। हाँ इसमें इंक्लूडेड रहेगा चीट डे। गाइस चीट डे तो इम्पोर्टेंट ही है खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेट रखने के लिए कि हाँ मेरा चीट डे आ रहा है, मैं तब खा लूंगी, तब मुझे ये खाना है, तब मुझे वो खाना है। अगर जब भी आप फास्टिंग रखते हो ना, आई नो कि हाँ यार मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, यू नो मेक ए लिस्ट एंड यू कैन ईट ऑन योर चीट डे। चीट डे में ऐसा नहीं कि पूरा दिन खाते बैठो भाई, ऐसे भी मत करो, जो वरना आप 5-6 दिन जो मेहनत डालोगे ना वो सभी निकल जाएगा। चीट डे में भी आपको लिमिटेड ही खाना है। हाँ बिफोर स्टार्टिंग दिस डाइट प्लान आई लाइक टू टेल यू समथिंग दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हियर। आई एम जस्ट गिविंग माई एडवाइस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल पीपल, यू नो लाइक वॉट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू इंक्लूड इन माई डाइट, वॉट आर द थिंग्स आई एम प्लानिंग अकॉर्डिंग टू माई हेल्थ। या अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग दिस विंडो, या बिफोर स्टार्टिंग दिस फास्टिंग। सो आई एम फॉलोइंग द इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉर 21 डेज दैट इज 16/8 आवर्स का। 16 आवर्स आई विल बी द फास्टिंग, 8 आवर्स आई विल बी द फॉर माई ईटिंग फूड। यू नो देर आर लॉट ऑफ विंडोज लाइक 16/8 जो मैं फॉलो कर रही हूँ, देर इज बाई 14/10 लाइक 14 आवर्स विल बी द फास्टिंग एंड 10 आवर्स विल बी द ईटिंग पीरियड एंड देर इज 12 इज ऑल्सो देर। तो आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके हेल्थ के हिसाब से आप प्लान कीजिए। मैं यही फॉलो करती, जरूरी नहीं आपको वो फॉलो करना है, नहीं, आपके हेल्थ आपका शेड्यूल। मेरा शेड्यूल, मेरा डे टू, मेरा फुल मॉर्निंग टू इवनिंग का शेड्यूल इस विंडो पीरियड में बैठ जाता है 16-8 आवर्स में। आई कैन प्लान अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस, सो मैंने ये चूज किया है। जरूरी नहीं मैं सुबह 9:00 से शाम के 5 बजे तक मेरा ईटिंग पीरियड है 8 आवर्स का, जरूरी नहीं आपको वही फॉलो करना है। यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। ओके बस ध्यान रखिएगा आपका कुछ घंटे फास्टिंग में है, आपका कुछ घंटे खाने में है। खाना खाते समय भी आपको डिवाइड करना है, पोर्शन सही हिसाब से लेके सही हिसाब से आपको सब कुछ फॉलो करना है। बस हाँ बस मेरे पास 8 आवर्स है, चलो ये खा लो वो खा लो, भूख लगी है, 16 आवर्स फास्टिंग है मेरा रहने वाला है, नहीं नहीं ऐसे मत करिएगा। 8 आवर्स फास्टिंग है उसको भी हेल्थ के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से छोटे छोटे क्वांटिटी में आइएगा, छोटे छोटे क्वांटिटी में डिवाइड करिएगा। हेल्दी फूड ध्यान रखेगा, आपको जंक फूड नहीं खाना। आपको एक चीट डे मिलेगा उस दिन आप खा सकते हो, या चीट डे के दिन आप जंक फूड खा सकते हो, इट इज नॉट उस दिन तो चीट डे। चीट डे मीन्स क्या, खाने के दिन है, या चीट करो फास्टिंग छोड़ो और खा लो। बट अगर जो मंडे टू सैटरडे आप लोग जो फास्टिंग फॉलो कर रहे हो, जो शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, उसमें चीट मत करिएगा प्लीज। अगर आप चीट करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
बिफोर स्टार्टिंग तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें आपको हेल्थ इश्यू रहा तो अगर आप गूगल करोगे ना इंटरमीडिएट फास्टिंग विंडो पीरियड बहुत सारे मिलेंगे यार, बहुत सारे। और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है यार, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है। इट हेल्प यूज टू रिड्यूस द वेट, इट हेल्प अस टू रिड्यूस द फैट। और 8 आवर जो आपका विंडो रहता है उसमें आप फोकस करिए कि आप उसमें इंक्लूड करिए फाइबर, मिनरल्स और गुड विटामिन्स और जो न्यूट्रिशियस फूड रहना है वो खाइएगा। जंक फूड मत खाइएगा उसमें 8 आवर्स। हाँ मुझे 16 आवर्स फास्टिंग है भाई, मुझे तो पेट भर के खाना है, अभी तो 8 घंटे ही बचे मेरे पास, मैं उससे ज़्यादा कुछ खा नहीं पाऊंगा या खा नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं ऐसे मत करिएगा। जो 8 आवर्स है उसमें आप थोड़ा सा फाइबर, थोड़ा सा मिनरल्स, उसमें 1 मील हेल्दी फूड ले लीजिए, दाल लीजिए, चावल लीजिए, चावल भी खाइए, चावल से वेट बढ़ता है, चावल नहीं खाना है हमको। नहीं नहीं दाल लीजिए, चावल लीजिए, चपाती लीजिए, सलाद इंक्लूड करिए, फ्रूट्स इंक्लूड करिए। ध्यान रखिएगा घर का खाना ही खाना है आपको, उसमें कोई जंक फूड इंक्लूड मत करिएगा। तो ये रहे बेनिफिट्स, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से, तो आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन होइए, आप लोग भी शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किस तरह से आप फॉलो करते हैं अपने डाइट, क्या क्या आप लोग इंक्लूड करते हो आपके डाइट फूड में, आपका क्या जर्नी है, क्या एक्सरसाइज करते हो। हाँ फास्टिंग कर रहे हो भाई इसका मतलब नहीं आज मैंने फास्टिंग किया भाई कल मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक दिन से कोई वेट रिड्यूस होने वाला मेरे से नहीं है। आपको उसके साथ थोड़ा सा वॉकिंग करना है, वॉकिंग या लाइट एक्सरसाइज रखिए। अगर आपको सुबह वॉकिंग नहीं होता है तो शाम को वॉकिंग करिए, आधा घंटे के लिए बाहर जाइए, वॉकिंग करके आइए। बाहर भी नहीं जा सकते, घर पे छत पे जाइए, छत पे आप वॉकिंग कर सकते हो या घर में ही आप वॉकिंग कर सकते हो। आधा घंटा मिनिमम बेसिक एक्सरसाइज तो करिए, योगा करते हो तो योगा इज गुड फॉर हेल्थ गाइस, योगा या वॉकिंग या साइकिलिंग वॉट एवर, बट इंक्लूड हाफ एन आवर एक्सरसाइज इन योर शेड्यूल। इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड एक्सरसाइज कंपल्सरी है, स्लो रिजल्ट मिलेगा आपको लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, इतना मैं गारंटी हूँ। और हाँ वेट लॉस मेरा आपका इतना हुआ है, मेरा इतना क्यों हुआ है ये नहीं आप पूछ सकते हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ एंड द फूड इनटेक यू टेक। लेट्स स्टार्ट द जर्नी गाइस, सो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माय इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो लेट्स सी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सुबह क्या लिया है, कितने बजे लिया है और मेरा विंडो क्या है। सो आप लोग भी प्लान करिए अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से और आपके हेल्थ के डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से आप अपना डाइट प्लान करिए, फास्टिंग प्लान करिए और ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ। देखते हैं कहाँ तक हम जाएंगे, कितना हम लोग कर पाएंगे, कितना वेट रिड्यूस करेंगे एक साथ। तो अगर टुडे विल बी द डे टू एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो ऑन द डे टू। सो दैट्स इट गाइज, दिस वॉज अ स्मॉल अपडेट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू पीपल। या सो आई होप आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आ रहा है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड हाँ जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा। सी ऑल टुमारो ऑन द डे टू ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग, ठीक है बाय। सुबह मैं उठते ही स्टार्ट कर रही हूँ अपना दिन गर्म पानी के साथ। एक गिलास ऑफ गर्म पानी पीते ही जो मैं लग गई अपने किचन वर्क में, जो सुबह उठते ही मुझे मेरे बेटे के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बना के देना रहता है लंच एंड टिफ़िन बॉक्स। तो आज मैं बस बना रही हूँ चटनी और डोसा। अगर आपको चटनी और डोसा की रेसिपी जानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगी, आप जाके चेक करिए, ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी अवेलेबल है। फैमिली के ब्रेकफास्ट होने के बाद तो अब बारी आती है मेरी ब्रेकफास्ट की, तो इसमें आज मैं ले रही हूँ हाफ एप्पल, अ पीस ऑफ गोवा एंड थोड़ा सा पाइनएप्पल। ब्रेकफास्ट होने के बाद तो टाइम बनता है एक्सरसाइज करने का, तो एक्सरसाइज में यहाँ पे थ्रेडमिल में हाफ एन आवर के लिए एक्सरसाइज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्पीड लिमिट 5.6 है, 2 किलोमीटर्स मेरा रनिंग हो चुका है, वॉकिंग बोलिए या रनिंग। उसके बाद में फ्रेश अप होने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाना में ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बना रही हूँ, बस दाल और चावल बना दिया है और कुकर चढ़ा दिया है। तो यही रहा मेरा लंच, थोड़ा सा पपाया और एक बनाना, और मैं आज का दिन एंड कर रही हूँ विथ अ ग्लास ऑफ टी।
आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है। तो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हो आपको डे 2 इंटरमीडिएट फास्टिंग के दिन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।